मैं हूँ अनु और मेरी रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत अच्छी रेसिपी लाए हैं, जैसे बच्चे तो बहुत खुश होने वाले हैं और बड़े भी बहुत खुश हो जाएंगे। और ये इस रेसिपी का नाम है मैंगो फ्रूटी। जी हाँ दोस्तों, मैंगो फ्रूटी बनाने वाले हैं आज हम, जो बहुत ही टेस्टी लगती है। और इस समय लॉकडाउन चल रहा है तो बच्चों को कहीं भी मैंगो फ्रूटी वगैरह नहीं मिल पा रही है ठीक से, तो घर पर बनाइए। बहुत अच्छे से बन जाता है, ईजिली बनता है और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। घर में आम आ ही रहा है आजकल, तो आप मैंगो लीजिए और थोड़ी सी बर्फ़ डालिए और बना डालिए मैंगो फ्रूटी। तो आज चल के हम बनाते हैं मैंगो फ्रूटी, तो देखते हैं इसके लिए क्या क्या चाहिए। तो फ्रेंड, हमने लिया है आम, इस तरह का आम है, तो हमने इसको छील लिया है। तो ये थोड़ा खट्टा होता है, थोड़ा मीठा भी होता है। और दो आम है मेरा और एक कच्चा आम है, तो कच्चा आम का होना ज़रूरी है फ्रेंड। तो दो आम होगा तो एक, आप अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो इसी तरह रेसिपी रखिएगा कि जैसे एक आम है कच्चा तो हम दो आम ले रहे हैं, ठीक है। तो जब आपको बढ़ाना होगा तो उसी के अकॉर्डिंग बढ़ा लीजिएगा। तो अभी इतना ही हमने चीनी लिया है, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी चाहिए। तो चीनी जब हम टेस्ट करेंगे तभी आगे बढ़ाएंगे। अभी हमने हाफ कप लिया है, तो बस हमें कुछ नहीं चाहिए, ठंडा पानी चाहिए। तो और हम कुछ सीक्रेट भी बताएंगे कि आप इसको लॉन्ग टाइम कैसे रख सकते हैं। तो आप शुरू से लेकर अंत तक ये वीडियो जरूर देखिएगा फ्रेंड, तो आपके बहुत काम आने वाली है और बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे अगर आप इस तरह से बनाएंगे। तो स्लाइस कर लेते हैं छोटे छोटे फ्रेंड, आप ज़रूर बनाइए। और घर में मैंगो बनता है, जब इस तरह मैंगो फ्रूटी बनाएंगे हम, तो एक तो साफ़ सुथरा होता है फ्रेंड, बहुत दिन का नहीं होता, ताज़ा होता है। तो आप ज़रूर बनाइए और बनाइए, बना के पीजिए, पीने के बाद अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप बेल आइकन जरूर क्लिक करिए, जिससे जो भी रेसिपी है हमारी आप तक जल्दी से पहुँचे। और आप जरूर बताइएगा कमेंट करके कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है। तो आप जब अच्छा कमेंट करेंगे तो मुझे और भी खुशी होगी। तो फ्रेंड, इस तरह हम छोटे छोटे काट लें, इसको ग्राइंड करना हमको भी, पूरा काट लेते हैं उसको अच्छे से। इसी तरह ही हमको आम का भी काटना है, तो इसको किनारे कर लें पहले। तो इसको हम पहले इस वाले पर रख लेते हैं, पहले हम ये कच्चा वाला आम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, उसके बाद ये जो पका हुआ है इसको पीसेंगे, क्योंकि ये कच्चे वाले को थोड़ा टाइम लगता है। तो हम अलग कर लें पहले, उसको भी इसी तरह से काट लें। तो खट्टा आम होगा ज़्यादा, तो आपको थोड़ा चीनी ज़्यादा डालनी पड़ेगी फ्रेंड। और अगर मीठा आम है आपका तो थोड़ा कम चीनी डालेंगे, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि आप इतना ही चीनी डालिए। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालिए। ये जो कच्चा वाला आम है इसको पहले डाल देते हैं, तो बहुत थोड़ा है फ्रेंड, तो इसके लिए हमें थोड़ा इसको भी डालना पड़ेगा। तो दोनों थोड़ा सा आधा आधा करके हम ग्राइंड कर लेंगे, जिससे कि आराम से मिक्सी चले। तो इसको हम, तो हमने सारा का सारा ग्राइंड कर लिया आम, पीला वाला भी और कच्चा वाला भी, पका वाला भी। तो अगर आपके आम की क्वालिटी अच्छी होगी, मतलब कलर अच्छा होगा फ्रेंड, तो इसका मैंगो फ्रूटी का कलर भी बहुत अच्छा आएगा। तो अगर आप आम ले रहे हैं तो मैंगो फ्रूटी बनाने के लिए, अगर अच्छा मैंगो लेंगे तब आपका कलर बहुत अच्छा आएगा। तो जो थोड़े लाल लाल ज़्यादा हों आम, उसी को लीजिए आप, तो एकदम बहुत अच्छा कलर आता है फ्रेंड। तो हम इसको सब निकाल लेते हैं, कढ़ाई चढ़ाएंगे हम इस तरह, और फ्लेम ऑन कर दिया हमने। अब ये पल्प इसमें डाल देते हैं मैंगो का, थोड़ा निकाल लें इसको। इसको हमको अच्छे से खौलाना है, और अब इसी वक्त हम इसमें चीनी डालेंगे, चीनी मेल्ट हो जाए इसमें। तो अभी आधा कप ही हम डाल दे रहे हैं, फिर हम इसको थोड़ा टेस्ट करेंगे कि ये कम है कि ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम और बढ़ाएंगे चीनी की मात्रा। तो इसको अच्छे से इसमें मेल्ट होने दें, तो हमने इसको तेज़ कर दिया है फ्लेम को, तो इसको अच्छे से मेल्ट होने दें। अब बराबर चलाना है इसको, इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है फ्रेंड, इसको बराबर चलाना है, क्योंकि ये आम का पल्प है और हो सकता है चिपक जाए इसमें। तो आप इसको बराबर चलाइए,
और इस वाले चम्मच से चलाइए जैसे कि नीचे चिपके ना, जिसको लगातार हम अच्छे से चलाएंगे और इसमें एक उबाल आएगा तब हम इसको ऑफ करेंगे। वो है ये लेमन जूस, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप होगा फ्रेंड, तो आप इसको ज़रूर डालिएगा। और ये 1 टीस्पून है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि एक तो टेस्ट बहुत आएगा, बहुत चटकारा वाला बढ़िया अच्छा से बनेगा ये, तो इसको हम डालेंगे और ये प्रेजर भी करेगा इसको। तो अगर आपको फ्रेंड इसको 10-20 दिन से ज़्यादा रखना है तो आप इसमें विनेगर डाल सकते हैं और ये लेमन भी डालिए, तो कम से कम 10 दिन तो आराम से आप इसको फ्रिज में रख के पी सकते हैं। तो हम ये अच्छे से, चीनी अभी मेल्ट हो रही है, चीनी मेल्ट हो जाए, लेमन जूस हम डाल दे रहे हैं क्योंकि हमारी चीनी भी मेल्ट हो गई। अब देखिए अच्छे से पकने वाला है ये, थोड़ी देर हम इसको पकाएंगे तो थोड़ा सा ये सूखेगा अभी थोड़ा इसका पानी भी, तो हम इसको थोड़ा अभी पकाएंगे तो किनारे किनारे देखिएगा चीनी जो है अच्छे से जब मेल्ट हो जाएगी तो ये एकदम थोड़ा सूखने लगेगा, तो अभी अच्छे से उबाल आएगा 2-3 उबाल, तो उसके बाद ये 3 मिनट हमने इसको अच्छे से पकाया फ्रेंड। अब देखिए इधर से चिपक रही है, यानी कि बिल्कुल तैयार होने की स्थिति में है ये, तो हम अब इसको ऑफ कर दे रहे हैं। इसको ठंडा करेंगे, एकदम ठंडा होने के बाद ही हम इसको छानेंगे फ्रेंड। तो इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं फ्रेंड, और थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर हम आपको दिखाते हैं। अच्छे से ठंडा हो गया ये, अब इसको हम छानेंगे। तो देखिए जब चीनी नहीं पड़े आती है फ्रेंड तो इस तरह का कलर हो जाता है, और आपने ध्यान भी दिया होगा कि जब हम लोग फ्रूटी पीते हैं तो यही कलर होता है, और जिनका ज़्यादा येलोइश होता है वो फूड कलर डालते हैं फ्रेंड। तो अगर आपको फूड कलर पसंद है तो आप डाल लीजिए, और हमको तो ज़्यादा अभी नहीं पीना फूड कलर पसंद है क्योंकि हम बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो यही नेचुरल कलर ही ठीक है। तो अब इसको हम छान लेते हैं इस तरह से। तो देखिए जो भी इसमें बड़े बड़े हैं आम के पीस वो इसमें अच्छे से मैश हो जाएंगे, और छनने में मुंह पे एक भी नहीं इसके रेसे वगैरह आएंगे, तो रेसे मुंह में ना आए इसलिए इसको ज़रूरी है छानना फ्रेंड, तो आप ही छानिएगा ज़रूर। और नेचुरल कलर ही ज़्यादा बेटर है फ्रेंड, ज़्यादा फूड कलर वगैरह यूज करना बेकार है, क्योंकि हम तो आम का जो नेचुरल है जब भी आप पकाएंगे तो उसका कलर यही हो जाता है नेचुरल, आप जब पकाएंगे तो यही आएगा, तो इससे ज़्यादा ऑरेंज या तो आपका आम बहुत ही ज़्यादा येलो हो तो इसको हम अच्छा छान लें। कितना भी येलो होगा फ्रेंड तब भी आपका कलर यही आएगा, जब चीनी पकेगी तो उसका कलर थोड़ा बहुत तो ब्राउनिश हो ही जाता है, क्योंकि जब हमने देख जब हम इसको पल्प बनाए थे तो इसका कलर इस तरह था, है ना, येलो था, लेकिन जब इसमें चीनी पड़ी और पक गया तो उसका कलर ये आया, तो आप कलर पे मत जाइएगा। और अब इसमें पानी डालेंगे, हमने ठंडा पानी लिया है तो करीब 1 लीटर पानी पड़ जाता है इसमें, तो हमारी बोतल 1 लीटर की है, अभी हम और देखते हैं। तो इस तरह से होना चाहिए जूस, तो फ्रेंड आप ज़रूर बनाइएगा एक बार इस तरह, बहुत ही टेस्टी है। तो अब बस ये परफेक्ट है, अब इसको हम निकाल लेते हैं, तो ऐसे होनी चाहिए आपकी ये, देखिए कितना अच्छा सा जूस लग रहा है एकदम, जो हम लोग फ्रूटी पीते हैं वही टेक्सचर लग रहा है। तो आज बच्चों को तो बहुत मज़ा आने वाला है फ्रेंड, तो आप भी जल्दी जल्दी बनाइए अपने घर पर, आजकल बहुत सारा आम आ रहा है, तो आम आप थोड़ा डार्क कलर का लीजिए, डार्क येलो तो और अच्छा कलर आएगा, तो मेरे आम इसी तरह के थे तो इस तरह कलर आया है। वैसे जब भी आप पकाएंगे तो कलर यही आएगा, लोग फूड कलर डाल देते हैं येलो वाला, तो अगर आपको कलर देखना है तो आप फूड कलर डाल के आप बना सकते। हमारा मैंगो फ्रूटी बन के तैयार है, और इसको हमने बड़े आराम से बहुत जल्दी जल्दी बनाया, और कभी भी आपको बनाना है ठंडा ठंडा कुछ पीना है तो मैंगो लीजिए और झटा झटा आप बना लीजिए इसको, तो देखिए कितनी जल्दी बन गया। तो जैसे हमने बताया उस तरह बनाइए, अब बना के इसको पीजिए, पी के हमें बताइए कैसा है। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर क्लिक करिए, जिससे कि जो भी रेसिपी है वो आपसे जल्दी पहुँचे, और हम कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।